Henry is constant with the solubility. Why? Because one rule is there. It may be misconception, but it's a solubility. Solubility is directly proportional to pressure. And this proportionality is nothing but solubility is directly proportional. If I remove the proportionality, that can be written as KH into P. और अगर ये बात सच है तो KH directly proportional होनी चाहिए. Higher the value of KH, higher the solubility, higher should be the solubility. But in fact, the fact is just opposite to this. Higher the KH value, lower is going to be the solubility. If a gas is having higher value of KH, it is supposed to be less soluble. So from where this problem has been, what is the root of this problem? From where this misconception has been created? And answer is, this may be one perception, but this is not the right expression. This is not the absolute expression of Henry's law. दो law है, एक Raoult's law है, एक Henry's law है. Raoult's law के अंदर क्या है? Raoult's law के अंदर क्या है कि vapor pressure of solvent is function of mole fraction. तो उसे लिखते कैसे? उसे इस तरीके से लिख रहे, उसे लिख रहे इस तरीके से. यहां पे लिखा लिमिट, लेट इट बी x1, दैट इज गोइंग टू बी 1, x1 टेंड्स टू 1. क्यों? सॉल्वेंट की बातें कर रहे हैं. फिर क्या लिखते? पी बाई एक्स ए और एक्स आई इज इक्वल टू पी डैश. फिर पी डैश क्या है? पी डैश है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. पी डैश है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. जो पी है वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन से, जो एक्स1 है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है. हेनरीज ने क्या करो? हेनरीज ने क्या करा? हेनरीज ने इस इक्वेशन को ऐसे लिखा, लिमिट पी बाई एक्स आई इज इक्वल टू के. लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट सी चेंज है वो लिमिट के साथ है, लेट इट बी एक्स टू. सो एक्स टू टेंड्स टू जीरो. क्यों क्यों करा ऐसा? उसने ऐसा इसलिए करा क्योंकि यहां पे सॉल्यूट की वेपर प्रेशर ले रहे हैं. सॉल्यूट हैज बिन कंसिडर्ड, तो इस वाली लाइन में लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट. अगर हेनरीज लॉ को यूज करा तो लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन. तो एक्चुअल स्टेटमेंट ये है. अब यहां पे देखो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन के. तो ये जो स्टेटमेंट निकल पड़ी है ना, ये उसके एजम्पशंस हो सकते हैं, उसके एक पार्ट की हो सकती है. गैस की सॉलिबिलिटी लिक्विड के अंदर हम जब डिस्कस कर रहे होते उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि ये उसकी एक इंटरप्रिटेशन है. लेकिन ये हेनरीज लॉ है ही नहीं. जब ये हेनरीज लॉ है नहीं तो आप ये इसके ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते कि इसने गलत बातें कर रखी, इसने सही बात करी. उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो शायद कहीं पर गलती हो गई है. केज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉलिबिलिटी की.